हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम घर पर पाइपिंग लगाना सीखेंगे, जिसको लगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें पाइपिंग को बनाकर तैयार कर लेना है। पाइपिंग हमें किस तरह से बनाना है, एक और एक कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई 1.25 इंच रखेंगे हम, और इस धागे को रखकर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई हमें सिंगल बूट से लगाना है, ध्यान रखना है इस बात का कि सिलाई सिंगल बूट से ही सही लगती है और पाइपिंग सही बनती है सिंगल बूट से। तो इस तरह से हमें पाइपिंग बना लेना है। एक सिलाई हमें लगा ली, एक सिलाई और लगा लेना है पलट के तरह से। जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही आराम से बनाना है इसको। जल्दबाजी में पाइपिंग सही से नहीं बनती। तो इस तरह से हमने पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं पाइपिंग हमारी बहुत ही अच्छी बनी है, ये देखिए। तो पहले आपको इस तरह से पाइपिंग को बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज लेना है। तो ब्लाउज हमने पहले से सिल कर रखा हुआ था, इसको हम ले लेंगे और इस तरह से रखेंगे, सीधा रखना है ब्लाउज और पाइपिंग को भी सीधा रखना है हमें। और इस तरह से किनारी के साइड हम सिलाई को चलाते जाएंगे। तो पूरे गले पर हम इसी तरह से सिलाई चला लेंगे। देखिए हमने पूरे गले पर इस तरह से लगा ली है सिलाई। अब जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको हम कट कर देंगे, थोड़ा सा रखेंगे बाहर हम। अब हमें क्या करना है, बूट को चेंज कर लेंगे, बूट हम बदल लेंगे। बदलने के बाद हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। सीधे साइड से ही हमें सिलाई लगाना है इस तरह से। बहुत ही आसानी से सिलाई लग जाती है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनकर रेडी होती है। कहीं पे भी कोई सेल वगैरह इसमें नहीं आती, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही पाइपिंग बनकर तैयार होगी, आप देखना। देखिए कहीं पे भी कोई सेल वगैरह आपको नहीं दिखाई देगी। और हमने अभी इस पे प्रेस भी नहीं लगाई, प्रेस लगाने के बाद एकदम ये बहुत ही शानदार दिखेगी। तो इस तरह से आपको धागा पाइपिंग बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।